फाइनली लोगों ने फिर ये बुलेट को यहीं पर खड़ा करके मंदिर बना दिया और फिर पूजा करने लगे इसकी। ये बाइक वाला भाई मारता मेरे को पक्का। वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं पुष्कर जाने के रास्ते में हूँ तो मेरे को ऐसे रोड के साइड में मोड़ दिख गया। अभी ये रोड पे थे, इस यहाँ इस एरिया में थे, बट मैंने रोका तो फिर ये बाउंड्री बांध के चले गए उस साइड। देख सकते हो तीन चार मोड़ है वहाँ पे। अभी मैं एक्चुअली विश्नोई विलेज में हूँ। ये वही विलेज है जहाँ पर सलमान खान ने वो ब्लैक बक का हंटिंग किया था ना, वही यही विलेज है। यहाँ पर जो लोग हैं ना वो ब्लैक बक को पूछते हैं। ब्लैक बक ही देखने आया था बट अनफॉर्चुनेटली आया वहाँ पे जो सफारी करवा रहे थे ब्लैक बक की, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे डिमांड कर रहे थे। ₹2000 डिमांड कर रहे थे, उतना बजट था नहीं मेरा तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। बाकी अब किस्मत के भरोसे है, अगर मेरे को रास्ते में दिख गया तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को। डाउट है मेरे को दिख पाएगा। बाकी आगे जा रहा हूँ मैं, बुलेट बाबा करके एक है उनके पास जा रहा हूँ तो वहाँ का आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइज आ गया हूँ मैं अभी, यही सामने मंदिर है और पूरा सामान था तो ये उसके अपोजिट साइड में होटल है। इसी होटल में मैंने सामने यहाँ पे बाइक पार्क कर दिया, उनको बोल दिया है कि यहाँ पे बाइक है, सारा सामान मेरा वैसे ही है, कुछ सामान मैंने अंदर डाला है और अभी बस जा रहा हूँ मैं दर्शन करने। दर्शन करके फिर निकलूंगा, फिर यहाँ आके ब्रेकफास्ट कर लूँगा और उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाऊँगा। यहाँ से सीधा पुष्कर ब्रेकफास्ट कर ही चुका हूँगा तो कोई सीन नहीं है। शूज़ खोलना होगा थोड़ा, वो एक दिक्कत है, बाकी चलते हैं। गाइस देखो यही है बुलेट यहाँ जिसकी पूजा होती है। बताता हूँ आप लोगों को इसकी स्टोरी, यही है जिनकी बुलेट है जिसकी पूजा हो रही है। यहाँ यहाँ पीछे बुलेट रखी हुई है और आगे इनकी मूर्ति है और फोटोग्राफ्स वगैरह लगाए हुए हैं। काफ़ी भीड़ लगता है यहाँ तो। एक्चुअली इनका स्टोरी क्या है ना कि ये जो है इनका एक्सीडेंट हो गया था यहाँ, और एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ कि डेड बॉडी तो घर चली गई थी बट जो बुलेट है वो पुलिस स्टेशन चली गई थी। ये वाली जो बुलेट है ये पुलिस स्टेशन लेके चले गए थे। बट क्या होता था कि रात में ये बुलेट पुलिस स्टेशन से निकलती थी और ख़ुद से आके यहाँ पे खड़ी हो जाती थी। तीन चार बार ऐसा हुआ और फाइनली लोगों ने फिर ये बुलेट को यहीं पर खड़ा करके मंदिर बना दिया और फिर पूजा करने लगे इसकी। यही है स्टोरी, लोग तो यही बोलते हैं। श्री ओम बिन्ना धाम भी बोलते हैं इनको, मतलब इनका नाम था ओम बिन्ना और बाकी बुलेट बाबा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। आ सकते हो आप लोग यहाँ पे। वैसे बस वाले भी जो है ना सब रुक के जाते हैं, उस कारण से भी भीड़ रहता है। हे गाइस वेलकम बैक। अभी मैं एक्चुअली पुष्कर पहुँच गया हूँ, आज ही का दिन है मेरे पास पुष्कर में, बाकी कल मेरे को जयपुर निकलना है। देखते हैं थोड़ा सा तो जल्दी में कवर करना पड़ेगा पुष्कर, ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी कुछ है सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एक यहाँ पे आलू बाबा करके है, वो लगभग 10 किलोमीटर दूर है। सब बोल रहे हैं कि उसका जो रास्ता है, रास्ता इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अभी मैं सोच रहा हूँ पहले आलू बाबा कवर करके आता हूँ, फिर एक हिल टॉप पे मंदिर है वहाँ जाएंगे सनसेट के लिए, देन फिर निकल उतर के विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है, तो विष्णु भगवान का मंदिर जाएंगे और ये करके फिर एक लेक बचेगा लास्ट लेक, और उसके बाद अजमेर में एक दरगाह है, तो सब आज कवर करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। देखते कितना कवर होता है, अगर नहीं होगा तो फिर आज रुक जाऊँगा, मतलब कल भी रुक जाऊँगा शायद, अभी कुछ पता नहीं है। अभी आलू बाबा जा रहे हैं, रास्ता आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है। चलो मिलते हैं वहाँ पे, 10-20 मिनट का राइड है, 10 किलोमीटर है, फिर वहाँ से जल्दी से रिटर्न होंगे, सनसेट भी देखना है, ठीक है, चलो चलते हैं। गाइस ये रास्ते में एक्चुअली पत्थर निकाल रहे हैं और यहाँ पे ब्लास्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो धुआं निकल रहा है ना ब्लास्ट हो रहा है, इसीलिए रोक दिया हम लोगों को। ओहो ये देखो ये वाला हुआ खतरनाक ब्लास्ट, पहली बार देख रहा हूँ मैं ये ब्लास्ट। इधर एक्चुअली पत्थर निकालने का काम होता है, देख सकते हो पूरा पत्थर निकाल रहे हैं इधर से भी, हाँ तो ब्लास्ट कर रहे पूरा, देखो फिर से ब्लास्ट हुआ। दोस्तों आलू बाबा के पास आ गए हम लोग, यही है बाबा। तो बाबा आपका नाम आलू बाबा क्यों पड़ा? मेरा नाम तो इसे चंदन गिरी है, आलू खाने को जब तो आलू बाबा बोलते हैं। तो सिर्फ आप आलू ही खाते हो? खाता हूं और चाय पीता हूं। बस और कुछ भी नहीं? तो पूरे दिन में कितने आलू खा लेते हो? कोई वो नहीं है, दो बार खा लेता हूं। दो बार? तो कब से हो बाबा आप इस आश्रम में? इधर 25 साल हो गया, पहले तो फिर महाराष्ट्र नासिक त्र्यंबकेश्वर गुजरात सब घूमता रहा है। कब से आप खा रहे हो सिर्फ आलू? कब से खा रहे हो? 60 साल के नजदीक हो गया। 60 साल से आप सिर्फ आलू ही खा रहे हो? आलू जंगल नहीं, आलू रहा तो जंगल के पत्ते हैं फल कोई सब। अच्छा चावल दाल ये सब कब भी नहीं, मतलब 60 साल से आप? आपकी आयु क्या होगी बाबा? 79, मतलब बचपन से ही आप निकल गए हो ये
अध्यात्म की तरफ। हाँ, मेरा इच्छा ही था बचपन से। ऐसे आप रहने वाले प्रॉपर कहाँ के हो? सुल्तानपुर जिला पड़ता है मेरा। सुल्तानपुर जिला, तो परिवार अभी भी सुल्तानपुर में है? पता नहीं भाई, मैं तो साधु बनने के बाद आज तक गया ही नहीं, यूपी स्टेट में नहीं गया। तो और भाई बहन भी तो होंगे आपके? तीन भाई थे, दो बहन। अच्छा, तो वो लोग कभी आए? कभी नहीं, उनको पता ही नहीं है, किसको पता ही नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या हूँ, वो सब जानते हैं। मर गया, क्या हो गया, क्या होता है, फिर परिवार से जुड़ाव होगा, फिर दिमाग उधर जाएगा, उनका सुख दुख मेरा सुख दुख जी। देखो, कोई भी माँ बाप को दुख होगा, एक ही बार जो दुख होना एक ही बार हो जाए। सही बात, मन पे कंट्रोल नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं। स्वर्ग क्या, यही स्वर्ग, यही नरक है, सब सब यही है, सब है। हमारे शरीर में स्वर्ग है, नरक है। अच्छा, अच्छे बुरे सोच विचार, ये स्वर्ग नरक है। भगवान किस जगह नहीं है, कणकण में है। तो आपको दर्शन कहाँ हुआ, मतलब भगवान की, मतलब कैसे दर्शन? महाराष्ट्र में हो गया था, नासिक त्र्यंबकेश्वर। अभी जो नौजवान हमारे जैसे है उनके लिए क्या कहना चाहोगे, मतलब कुछ ऐसा? तो बस ये तो सबका अलग अलग भाव होते हैं, सोच विचार, इनको कुछ भी नहीं, अपने विचारों, अपने एकाग्रता को बना के जो लक्ष्य है, लक्ष्य को निर्धारित करो। अच्छा, पहले इंसान का सबसे बड़ा क्या है कि लक्ष्य, लक्ष्य दुनिया में सबको, अब उसको निर्धारित नहीं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो देखो उसमें तो एकाग्रता बनेगा नहीं, है कि नहीं? और हर चीज इस संसार का सबको तुम एक आदमी को तो मिलेगा नहीं, देगा नहीं, मिलता क्या? नहीं है? एक चीज पे आपका फोकस होगा, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अगर उस पर एक ही फोकस करोगे तो आप पास हो जाओगे, नहीं करोगे 10 पे फोकस करोगे तो पास नहीं होगे। भाई, हम बच्चों को यही बोलोगे, जो भी कार्य करो उस पर पूर्ण रूप से फोकस रखो, एकाग्रता बनाओ, है कि नहीं? एकाग्रता बनाओगे तो एक दिन कामयाब जरूर होगे। अब हम एकाग्रता नहीं बनाएंगे, हम 10 लालच में पड़ जाएंगे, लालच में ये भी कर लो, वो भी चाहिए, वो चाहिए, तो फिर तो भाई उसमें हासिल नहीं होता, ना इधर का और ना उधर का। हमारा सोच एक ही था, एक ही है कि भाई भगवान का दर्शन, इसके सिवा मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। बेसिकली ये बाबा सिर्फ आलू खाते हैं, और वीडियो भी मैंने बनाया, बहुत सारी बात की है। तो अगर आप लोगों को पूरा अनकट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, 15-20 मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है, अगर अनकट बोलोगे तो मैं पूरा अनकट वीडियो डाल दूंगा। तो अभी मैं छोटे मोटे क्लिप्स डाल दूंगा इस वीडियो में। अभी जा रहा हूँ शिव मंदिर के दर्शन करने, और फिर शिव मंदिर के दर्शन के बाद फिर से आलू बाबा का आशीर्वाद लेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। अच्छी बात कर रहे थे बाबा। गाइस, ये है शिव मंदिर, देख सकते हो शिव जी की शिवलिंग बनी हुई है, यहाँ नंदी गाय है, पूरा गुफा है, पूरा पत्थर का गुफा है, नवाड़ उसी के अंदर है शिव मंदिर। अभी यहाँ से बगल में एक और मंदिर है तो वहाँ चलेंगे, फिर वहाँ के बारे में बात करता हूँ। बाकी ये देखो व्यू, पूरा पहाड़ों के बीच में है, देख सकते हो पूरा पहाड़ है उसके बीच में। इस साइड को रोड है, रोड थोड़ा कच्चा पक्का है, रास्ता लोगों ने बताया था मेरे को कि बहुत अच्छा है, बट रास्ता ठीक है। अभी मैं जैसलमेर से आ रहा हूँ तो मेरे को ये रेत उतना ज़्यादा एक्साइट नहीं किया, माउंटेन भी ठीक ही था। बाकी चलते बाबा से बात करते, अच्छा लग रहा था मेरे को बात करने में, चलते फिर मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, आगे जाऊँगा। उसके बाद लास्ट में ब्रह्मा जी का मंदिर जाना है। ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पर है, वो है पुष्कर में, सो बहुत फेमस मंदिर है। पहले जल्दी से यहाँ से चलते हैं। गाइज, अजय पाल जी के मंदिर में आ गए हम लोग। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि अजमेर जो है वो इन्होंने ही बसाया है, इसीलिए यहाँ पे ये मंदिर है अजय पाल जी की। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है, अगर आलू बाबा तक जो रास्ता है वो ठीक है, उसके बाद थोड़ा ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा। काफ़ी हिस्टोरिक मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है ये। आगे एक और टेम्पल है, वहाँ चलते हैं, फिर हम लोग वापस चलेंगे पुष्कर। गाइज, यहाँ बंदर देखो यार, काफ़ी ज़्यादा बंदर है, देख सकते हो। और यहाँ पे अजगंधेश्वर महादेव की मंदिर है, ये ब्रह्मा जी ने खुद स्थापित किया है, ऐसी धारणा है। यहाँ पे नीचे एक छोटा सा झील टाइप का भी है। निकलेंगे यहाँ से, बहुत बंदर है यार, देख तो मुझे डर भी लगता है बंदरों से। सिबलिंग्स बने हुए हैं यहाँ पे 5। अच्छा गाइस, जो रियल मंदिर है वो अपोजिट साइड में, ये देख सकते हो ये मंदिर, बट बहुत सारे बंदर बैठे हैं, मुझे डर लग रहा जाने में। देखते चलते, मोबाइल अंदर रख के जाऊँगा मैं, नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं लेने वाला हूँ मैं, मोबाइल सब कुछ अंदर रख के फिर जाऊँगा यार। तो ये भागा दौड़ी में मचा रहे, चलो अब यहाँ तक आए मंदिर तो जाऊँगा ही, चलो चलते अंदर। गाइस, आ गया हूँ मैं अंदर, देख सकते हो यही है मेन टेम्पल। लुक लाइक ए स्नेक, लुक लाइक ए स्नेक, या शिवा। मेन टेम्पल इधर ही है,
और बाकी ऐसे नीचे जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं वहाँ भी एक टेम्पल है शायद, देख सकते हो यहाँ से व्यू, और नीचे भी एक टेम्पल है। बाकी पत्थर बहुत गर्म है, जल रहा है। चलो चलते ऊपर और स्लीपर्स डाल के निकलते फिर यहाँ से। नागा बाबा प्लेस। ओके, डिड यू विजिट दैट प्लेस? या आई स्टॉप मेनी टाइम विद वन नागा बाबा, बट फिनिश ही स्टॉप ही चेंज द सिटी। ओके, नाइस। आई स्टॉप वन मंथ, नो मूव विद वन नागा बाबा, वन इयर्स। ओके, नागा बाबा वाज देयर वन मंथ अगो। गाइस, ये मंदिर के पीछे जंगल है, जंगल में पीकॉक दिख रहे होंगे शायद आप लोग को, पूरा वाइल्ड पीकॉक से देख सकते हो, जंप्स वगैरह कर रहे हैं। ऐसे वाइल्ड में मैंने पिकॉक्स पहली बार यहाँ राजस्थान में ही देखा है। ये फ्रेंच है इंसान, और ये हर साल दो बार आते हैं, तो इनको बहुत पता है इस यहाँ पे, इस एरिया के बारे में। हर साल दो बार आते हैं पुष्कर, तो वही लेके आए मेरे को यहाँ पीछे से। द व्यू इज़ इनक्रेडिबल। आई डोंट नो कितना दिख रहा है। लेट्स सी, यू वांट टू गो? यू वांट टू गो विद मी? लेट्स गो। या गाइस, ये हम लोग मंदिर के नीचे आ गए हैं, जहाँ पे पिकॉक्स दिख रहे थे ना, वहीं पे आ गए। देख सकते हो पिकॉक्स एक्चुअली बहुत शाही होते हैं, तो भाग जाते हैं। देखो उधर चले गए, थोड़े दूर पे चले गए। काफ़ी सही लग रहा है यार, काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये। ये हमें ऐसा कि ये प्रॉपर जंगल है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, और ये फ्रांस का जो आदमी है वो तो नेक्स्ट लेवल डेयरिंग है भाई। वो फुल घूम रहा है मज़े में, मेरा हालत थोड़ा ख़राब हो रहा है, बट ही वॉज लाइक कि चलो चलते चलते हैं। बोलो चलो ठीक है चलते हैं। उधर सामने भी एक पिकॉक, बहुत सारे पिकॉक्स है यार यहाँ। देखो ये भाई पूरा अंदर जा रहा है, आई डोंट नो, फॉरेस्ट के अंदर जा रहा है। मैं नहीं जा रहा भाई, ऑलरेडी बहुत एडवेंचर हो चुका है, अब और नहीं। चलो इसको इधर ही ख़त्म करते, फिर अभी चलते पुष्कर। पुष्कर में भी मेरे को दर्शन करना है, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद फिर कुछ खाना भी, अब तक कुछ खाया नहीं है, दर्शन करने के बाद खाऊंगा। चलो चलते हैं। गाइस, अभी आ गया हूँ मैं सावित्री माता टेम्पल। यहाँ ऊपर जाने का एक्चुअली दो वे है, या तो आप सीढ़ियों से जा सकते हो, या फिर रोप वे ले सकते हो। मैं तो रोप वे ले रहा हूँ अनडाउटेडली, बट सीढ़ियों से भी जा सकते हो, थोड़ा ज़्यादा ट्रैक करना पड़ेगा। यू वॉन्ट एडवेंचरस ट्रिप, जाओ सीढ़ियों से। मैं चला रोप वे से ऊपर, जाके आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। मंदिर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ऊपर से जो व्यू है वो बहुत सुंदर है, पूरा अरावली का ही व्यू आ रहा है उधर से। देख सकते हो आप लोग, इधर ही गया था मैं अभी, जो मैं आलू वाले बाबा थे वो इसी साइड रहते हैं, तो इधर ही गया था, अभी इधर ही से आ रहा हूँ मैं। चलो आगे से दिखाता हूँ आप लोगों को व्यू। ये देखो सामने पुष्कर लेक है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को पुष्कर लेक है, अभी वहाँ भी चलेंगे। बाकी मेन जो मंदिर है ब्रह्मा जी का वो इधर ही है, तो अभी इसके बाद ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन करेंगे। बहुत खूबसूरत व्यू है। बाकी ये सामने माँ का टेंपल। चलो अब थोड़ा देर में उतरूँगा मैं, नीचे जाऊँगा, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। आज अजमेर भी जाना है मेरे को, दरगाह भी जाना है आज, तो उसके बाद दरगाह जाएंगे। एक बार देख लो फिर से ये व्यू। बाकी यहाँ से टेंपल से नीचे उतरता हूँ, ब्रह्मा जी के मंदिर जाऊँगा। चलो मिलते हैं नीचे। गाइज, वापस आ गया हूँ मैं, ट्रॉली की वजह से चीज़ें बहुत जल्दी हो गई, हाफ एन आवर में मैंने दर्शन कर लिया। ऊपर से मैं सिंगल था, तो ट्रॉली में जो लाइन था उसको मैंने स्किप कर दिया, उन्होंने बोला अगर सिंगल हो गया तो आगे आ जाओ, फटाफट आगे जा चला गया, तुरंत हो गया मेरा काम, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ। बाकी ऊपर ना सनसेट पॉइंट भी है, लाइक ऊपर से सनसेट बहुत अच्छा होता है, तो इन केस अगर आप लोगों को सनसेट भी देखना है तो उस केस में आप लोग थोड़ा सा लेट से स्टार्ट कर सकते हो, और ऊपर ही सनसेट के टाइम पे रह सकते हो, और फिर उसके बाद नीचे आ सकते हो। अभी चलते हैं, पहले दर्शन करेंगे टेम्पल में, उसके बाद लेक के पास देखेंगे, अगर लेक के पास सनसेट का मौका मिलेगा तो वहीं पर सनसेट इन्जॉय करेंगे। भूख भी लग रहा है मेरे को यार, अभी दर्शन करूँगा उसके बाद कुछ खाऊंगा। चलो अब आप लोगों को मिलता हूँ मैं टेंपल सीधा। गाइज, अभी जा रहे हैं ब्रह्मा जी के टेंपल पे, ये इसी गली में आगे मुस्टैश है जहाँ अभी मैं रुका हुआ हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत मुस्टैश दिखा दूंगा शाम में। इस साइड को है, राइट साइड को निकल के मार्केट एरिया है, यहाँ पे पूरा टेम्पल के कारण पूरा मार्केट एरिया बन चुका है। ये इसी साइड को है मेन टेम्पल, चलते हैं टेम्पल में, आप लोगों को भी दिखाता हूँ अंदर। आई एम श्योर कि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगा, जहाँ तक होगा दिखा दूंगा आप लोगों को। ये बाइक वाला भाई मारता मेरे को पक्का। सामने स्टेयर्स दिख रहा है टेम्पल के,
अच्छा मार्केट है। अगर आप लोगों को राजस्थानी कुछ परचेस करना है तो यहाँ से कर सकते हो, जूता सैंडल वॉट एवर जो बोलते हैं। गाइस प्रसाद ले लिया मैंने, 201 का प्रसाद है ये वाला। चलो चलो गाइस टेंपल में एंटर कर रहे हैं, देख सकते हो श्री ब्रह्मा मंदिर यहाँ पे लिखा हुआ है, यही मेन गेट है। चलो अभी अंदर चलते हैं, देखते जहाँ तक अलाउड होगा वहाँ तक शूटिंग कर लेंगे, आगे का पता नहीं, अभी तो किसी ने कुछ बोला नहीं है। चलते हैं अंदर, यही है मेन मंदिर, यहाँ पे तो लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, भाई गाइस फोटोग्राफी तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये देखो टेंपल, मेन टेंपल यही है, भीड़ नहीं है ज़्यादा तो आराम से दर्शन हो जाएंगे। गाइस निकल गया अभी मंदिर से, काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया, बहुत कम भीड़ था, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी डिफरेंट एनर्जी है यार यहाँ का। पुष्कर तो मस्ट विजिट है, प्रसाद ले लिया मैंने घर के लिए, बाकी ज़रूर आओ पुष्कर। अगर आप लोगों का जयपुर अजमेर का चक्कर लग रहा है तो पुष्कर को ज़रूर इंक्लूड करना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं अब एक पुष्कर लेक बचा हुआ है, पुष्कर लेक अभी कवर करेंगे और उसके बाद फिर अजमेर निकलेंगे, दरगाह जाएंगे, दिखाते हैं आप लोगों को वो सब भी। चलो मिलते हैं पुष्कर लेक पे। गाइस आ गया हूँ झील पे और अभी आरती का समय है तो अभी आरती देखेंगे यहीं पे, उसके बाद चलेंगे वापस से मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पे पूजा करने का, जो भी गृहस्थ लोग होते हैं वो यहीं पूजा करते हैं, मतलब उनको ब्रह्मा जी का पूजा करना अलाउड नहीं है तो यहीं पे पूजा करना होता है, तो यहाँ पहले छीटा लगा के उसके बाद मंदिर जाना होता है, ये मुझे पता नहीं था तो पहले मैं मंदिर चला गया। चलो पहले आरती एंजॉय करो। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है आगे सरोवर में कोई भी नहीं जाएगा, सभी श्रद्धालु पुष्पांजलि करने के बाद लाइन लगा के आरती दे सद्भावना हो, विज्ञान हो, कल्याण हो, घाट पे ही हूँ मैं, देख सकते हो आप लोग पीछे मेरा सरोवर है और ये पानी भरने के लिए मैंने बॉटल ले लिया अभी इसका, बाकी यहाँ पे आरती हुआ है, आरती बहुत अच्छा हुआ है। तो अगर आप लोग पुष्कर आ रहे हो तो आरती बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है, आरती शाम का जरूर से अटेंड करना तो, और प्रसाद ऑसम प्रसाद मिलता है आरती में, ठीक है, तो प्रसाद तो खा ही लेना भाई, बहुत सही भाई बनेगा आरती के समय। आ गया हूँ अभी गरीब नवाज के दरगाह पे, ये अजमेर में है दरगाह, ऐसे नहीं डाल सकते जा सकते तो फिर रुमाल लगाना पड़ता है, रुमाल लगा के आ गया हूँ और प्रसाद भी ले लिया मैंने। चलो चलते हैं अंदर। चलो आके अंदर तो अलाउड नहीं होगा शूटिंग करना, तो आके आप लोगों को बताता हूँ अंदर कैसा। गाइस हो गया दरगाह पे दर्शन, यही है दरगाह पीछे, अंदर वीडियो ले सकते हैं बट एकदम अंदर नहीं ले सकते, दरगाह पे तो नहीं ले सकते। दर्शन हो गया, अच्छे से दर्शन हो गया, बाकी फूल वगैरह चढ़ा दिया मैंने, चादर चढ़ा दिया, ये देखो यही है पीछे दरगाह, कुछ फोटोग्राफ्स ले लूँगा मैं फिर निकलता हूँ, फिर आप लोगों को बताऊँगा अपना एक्सपीरियंस। देखो दरगाह काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, यही है मेन जो इसी डॉम के अंदर है मेन दरगाह। चलो अब निकलता हूँ बाहर, मैं फिर बात करता हूँ आप लोगों से। गाइज अभी मैं अजमेर में ही हूँ, दरगाह से निकल गया हूँ और ये रास्ते में लेक पड़ता है, ये अजमेर में काफ़ी फेमस लेक है, आना सागर लेक नाम है इसका, और देख सकते हो रात में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, चारों तरफ से लाइट है और यहाँ पे पूरा रोड बनाया हुआ है साइड से, इसी रोड से मैं जा रहा था, यहाँ देखो मेरा बाइक खड़ा है। अजमेर में कुछ छोटे छोटे पहाड़ भी है, उसके ऊपर भी लोग रहते हैं तो ऐसा कुछ हल्का नज़ारा है। पुष्कर है ना वो पहाड़ के पीछे, एक पहाड़ पड़ता है तो पूरा ऊपर ऐसे चढ़ के जाना पड़ता है और उसके बाद पीछे साइड में पुष्कर है, तो ऊपर जब जाते रहते हैं ना तब बहुत सुंदर व्यू आता है पूरे अजमेर का, तो अभी मैं जाते समय वो दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पे अजमेर फोर्ट भी है, वो भी आप लोग विजिट कर सकते हो अगर आप यहाँ पे आए हुए अजमेर में। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत फोटो गया और टाइम भी कम था, कल मेरे को निकलना है जयपुर, कुछ काम है, तो चलो अभी ऊपर चलता हूँ, ऊपर से आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, ऊपर से और भी सुंदर व्यू आ रहा है पूरे अजमेर का। चलो चलते हैं ऊपर। गाइज ये देखो पूरे अजमेर का व्यू, और कैमरा थोड़ा भी जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा इस व्यू के साथ, आई डोंट नो व्हाई,
देख लो कैसा लग रहा है, बट ऊपर से सामने से बहुत प्रीटी लग रहा है। साइड में माउंटेन ये भी दिखने रहा अभी, जिसके पीछे है बेसिकली पुष्कर। तो अभी जा रहे हैं रास्ते से, यही रास्ता है। बीच में एक रेस्टोरेंट आता है यहाँ पे, और रेस्टोरेंट के बगल में ये एक पुतला भी बना हुआ है, देख सकते हो। आई डोंट नो किनका है, घोड़े पे बैठे हुए कोई राजा होंगे। व्यू बहुत औसम है यहाँ से, लेक भी दिख रहा है सामने। बट मैं आप लोगों को ये जो एक लाइन से दिख रहा है ना लाइट्स, ये लेक का लाइट है। बट जस्टिफिकेशन हो नहीं पा रहा है यार, मेरे को लगा अच्छा कैप्चर कर पाएगा बट कैप्चर हो नहीं पा रहा। चलो कोई नहीं, मैं कुछ फोटोग्राफ्स ले लेता हूँ, फोटोग्राफ्स डाल दूंगा, शायद फोटोग्राफ्स अच्छा लगे। एनीवेज, तो अगर आप लोग भी हो तो रात में एक बार इस वाले रूट पे आके, पुष्कर वाले रूट पे आके एक बार ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से व्यू जो है पूरे अजमेर का। कल निकलना मेरे को जयपुर, तो आई थिंक ये इस व्लॉग का एंड है। आके मिलते हैं अब जयपुर में, मैं व्लॉग नहीं करूँगा, जयपुर में ऑलरेडी हो चुका है, जयपुर सीरीज आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देख लो। बाकी आई थिंक राजस्थान ऑलमोस्ट कवर हो ही गया, एंड आ रहा है राजस्थान ट्रिप का। चलो कोई नहीं, देखते हैं। ये लास्ट ब्लॉग तो नहीं है डेफिनेटली, इसके बाद एक और ब्लॉग तो आएगा जिसमें मैं प्रॉपरली एंड करूंगा पूरे राजस्थान ट्रिप को। चलो मिलते हैं उस ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस वर्चुअल यात्रा में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। धन्यवाद।